भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां स्टार्ट कर दी है। भाजपा लगातार राजस्थान में अलग अलग कैंप आयोजित कर कार्यकर्ताओं को मैसेज दे रही है। आपको बता दें कि इस कड़ी में राजस्थान के माउंट आबू में 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप हो रहा है। वहीं मंगलवार को खत्म हो रहे इस कैंप में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो रहे हैं। वहीं पार्टी नेताओं का कहना है कि यहां तय किया गया है कि अगला विधानसभा चुनाव हिंदुत्व और पीएम मोदी के फेस पर ही लड़ा जाएगा। वहीं कन्हैया लाल हत्याकांड, करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा में हुई हिंसा और सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को लेकर, साथ ही अलवर में मंदिर में तोड़फोड़ जैसे मुद्दे को भी बीजेपी जनता के बीच लेकर आएगी। आपको बता दें कि आज सुबह जेपी नड्डा उदयपुर के एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहीं से वह सड़क मार्ग द्वारा माउंट आबू पहुंचेंगे। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे तक ट्रेनिंग कैंप में लास्ट सेशन को वह संबोधित करेंगे। 2023 तक 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो वही कैंप में कहा गया है कि मोदी सरकार की जन कल्याण योजनाओं, उपलब्धियों, राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की जानकारी 52,000 बूथ के लाखों कार्यकर्ताओं तक पहुँचाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।